माता की जय। भारत माता की जय। सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। सबसे पहले जो आपने अभी ये छोटी सी क्लिप देखी है, यह है हमारे चंबल संभाग के शेर फौजी। सल्यूट करता हूं इनको मैं, मेरी तरफ से जय हिंद। इन्होंने अपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए। जयपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए इन्होंने दर्शाया है कि हम पूरे देश के सैनिक एक हैं और जरूरत पड़ी तो इनसे मेरी बात हुई है कि जयपुर में आना पड़ा तो चंबल के सारे सैनिक वहां पहुंचेंगे। इसी तरह मेरे पास और भी वीडियो आए हुए हैं, वो जल्दी मैं इस चैनल में अपलोड करूंगा। आज हम लोग इधर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज हम सब पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ग्वालियर चंबल संभाग के सभी पूर्व सैनिक भाई आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिला कलेक्टर ग्वालियर में। हाल ही में जो घटना है आप सबने देखी होगी वीडियो के माध्यम से और पेपर प्रिंट के माध्यम से, जो जयपुर में घटना छिपरापुर जो जगह का नाम है और वहाँ पर जो थाना इंचार्ज SHO के द्वारा और पुलिस कॉन्स्टेबलों के द्वारा जो सेना भारतीय सेना में पदस्थ अरविंद सिंह कमांडो जिनकी एक बहुत ही दर्दनाक पिटाई की गई और वहाँ पर जिस प्रकार का जो कपड़े उतार कर कृत्य किया गया और सेना के लिए ये कहा गया कि सेना पुलिस की बाप है, ऐसा करके इस प्रकार का वहाँ पर जो कृत्य किया गया, पुलिस सेना की बाप है, ये बात तो वहाँ पर जो SHO के द्वारा कही गई और उसे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश की गई, उससे अरविंद जो कमांडो सेना का है उससे ये पुलिस द्वारा जयपुर पुलिस द्वारा ये कहा गया कि आप कहो कि जो पुलिस है वो सेना की बाप है। इस प्रकार का रवैया करने वाले जो पुलिस कर्मी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए सर्विस से, क्योंकि जो सेना का सम्मान नहीं कर सकते और जो सेना के प्रति इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इसी विषय को लेके आज हम ग्वालियर जिला कलेक्टर को आवेदन और ज्ञापन देने आए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर। जयपुर पुलिस मुर्दाबाद, में कहता हूँ कि जयपुर पुलिस ने जो कृत्य किया है भारतीय सेना के सैनिक के साथ वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गीता जिंदाबाद। जय गीता जिंदाबाद। जय गीता जिंदाबाद। भूतपूर्व सैनिक संगठन की जय। भूतपूर्व सैनिक संगठन की जय। भूतपूर्व सैनिक संगठन की जय। भारत माता की जय। आज यहाँ एक छोटा सा संदेश जो इन चंबल संभाग के सैनिकों ने दिया है, जिस तरह हमारे इन सैनिकों ने ज्ञापन दिया है उसी तरह मैं बाकी हमारी जितनी भी ऑल इंडिया में पूरे भारत में जो कमेटियां हैं उन सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी समय निकालकर अपने कलेक्टर महोदय को रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन जरूर सौंपें इस जयपुर की हुई घटना के विरोध में, ताकि हमारे CM साहब भजनलाल जी की आंखें खुलें, क्योंकि अभी तक उनने कोई जवाब नहीं दिया है क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के अंडर में है। हमारे CM साहब ना कुछ बोले हैं इस घटना के विरोध में और ना ही कोई कार्रवाई की है, तो हमें दिल्ली में पहुंचाना होगा, हो सकता है दिल्ली से ही फिर इनके पास संदेश आए और ये संदेश भूतपूर्व सैनिक जो जगह जगह से दे रहे हैं वो अभी कलेक्टर के माध्यम से वहां भेज रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये सब जयपुर में आएंगे फिर भजनलाल जी को अपनी आवाज सुनाने के लिए। देश की सेना के ऊपर जो ये वाक्य बोले गए हैं, सर्विंग सोल्जर को जो मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आज आपने इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई की तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और सैनिकों का मनोबल टूटेगा जो वहां बॉर्डरों पर खड़े हैं।
और हमारी सिविल पॉपुलेशन से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये पुलिस वाले सस्पेंड हो जिनकी मानसिकता घटिया है, जो दिमागी तौर पर पागल है, जिन्होंने वर्दी तो पहनी है लेकिन इस वर्दी के लायक नहीं है, और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये ऑन ड्यूटी सोल्जर के साथ इन्होंने जो ये घटना की है, ये तो एक सोल्जर था जिसने स्टैंड ले लिया, एक मजबूत आदमी था, कमांडो था जो ग्राउंड में आ गया लड़ने के लिए, और एक सैनिक था, और आज पूरे सैनिक इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ना जाने कितने ही सिविलियन भाइयों के साथ इन्होंने इस तरह का बर्ताव किया होगा, कितने लोगों पर इन्होंने डंडे बरसाए होंगे, कितने लोगों को इन्होंने नंगा किया होगा, और अगर इनके जिस्म पर वर्दी रही तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आम आदमी बेचारा पैसे की वजह से, मजबूरी की वजह से उसका कोई साथ नहीं देता, वो ना ही तो कोर्ट में जाता है और ना ही उसका कोई साथ देता है, इनके अधिकारियों के पास जाओ तो डांट कर भगा दिया जाता है, अधिकारी इन्हीं का साथ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के करप्शन वाले लोग ऊपर तक कमाई जाती है, आप सबको पता है, थानों में आवभगत की जाती है दो नंबर के लोगों की, और एक आम आदमी थानों में जाते हुए डरता है इन्हीं वजह से, जो इनकी भाषा शैली रहती है, जिस प्रकार ये एक नॉर्मल से क्राइम करे हुए आदमी को नंगा करके और जिस प्रकार ये उसको मारते हैं, इस डर से सीएम साहब इस घटना पर संज्ञान लें, या आप चाहते हो कि हाँ ठीक है पूरा देश का सैनिक जयपुर में आए और फिर हंगामा शुरू करे, तो फिर वो ही ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।